लीजिए उसे। अगर घर की ओर जाते ना और यहाँ नहीं आते तो बहुत दिक्कत होता हमें। अभी यहाँ पहुँच गए हैं। ये देखो गाइज, हमारे एक और साथी, ये हमारे से पहले आ चुके थे, 3-4 दिन पहले आए हुए थे, तो ये भी पिछले कल यहीं थे। यहाँ से बढ़िया व्हाट्सअप गाइज, अनदर डे। तो अभी हम पदम में हैं, तो अभी टाइम भी 8:30 बज चुके हैं। हम यहाँ से निकलने वाले क्योंकि मौसम देखें यहाँ पे, वो इस तरफ पे कुछ का, ये देखिए पहाड़ों की चोटियों पे, देखिए यहाँ पे बर्फबारी हो चुकी है हल्की हल्की, ये देखिए। तो हमें श्रृंखला टॉप पर बर्फ मिल सकती है, पिछले कल ही जमा हुआ था वहाँ पे, तो आज तो बर्फ मिलेगी हमें वहाँ पे। तो अभी जल्दी निकलने का सोच रहे हम, देखते हैं कैसी होता है। अभी यहाँ से सानी जाने का सोच रहे थे, पदम से सानी शायद 5-6 किलोमीटर दूर होता है, तो अभी देखते कैसी बनता है। मौसम पूरा पैक है देखिए, और लाहौल में पूरा पैक है। पिछले कल शाम को हम पहुँचे थे, तो उसके बाद मैंने शूट भी नहीं किया था यहाँ पे। हम इस वाले होटल रहे थे, जमीला के कुछ नाम है यार, मैं नाम भूल जाता बार बार, जमीला है शायद। और अभी हमने गाड़ी स्टार्ट करने रख दिया यहाँ पे, कोल्ड स्टार्ट। ये देखिए यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी डाउन है यार, तो हमने स्टार्ट करने का रख दिया। अभी जिम स्टार्ट कर दिया है, कैंपर स्टार्ट नहीं किया। अभी हमारे कैंपर के उस्ताद अभी आए नहीं है, वो भी तैयार हो रहे हैं। ये रहा गाइस हमारा होटल, ये देखिए कितने स्टिकर लगे हुए यहाँ पे। यहाँ देखिए गाइस, पूरा घास है होटल के अंदर, और ऊपर ओपन है पूरा, देखिए। और ये रहे हमारे रूम्स, एक ही है और दूसरा ये देखिए। ये देखो गाइस, हमारे एक और साथी, ये हमारे से पहले आ चुके थे, 3-4 दिन पहले आए हुए थे, तो ये भी पिछले कल यहीं थे। यहाँ से बढ़िया प्लान चेंज कर दिया हमने। अभी हम जा रहे हैं सानी, क्योंकि अभी घूम के चुके यहाँ पे, अब सानी घूम के जाएंगे। तो गाइस ये पहुंच चुके हैं हम सानी लेक, ये देखे, और व्यू देखे यार आप लोग एकदम मस्त। ये देखे अभी थोड़ी हरियाली कम हो चुकी है, पर फिर भी देखिए कितना सही लग रहा है, एकदम मस्त। रास्ता यही है शायद यहाँ से, चलिए फिर। वो देखो गाइस, लेक से स्तूपा तक जाने के लिए देखिए छोटे छोटे पुल बनाए हुए इन्होंने। फिश है, आऊं, वेयर इज फिश? मच्छी शुरू दी दे, मछली रे। वो देखो गाइस कितने सारे फिश हैं यहाँ पे, ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए आगे जा रहे हैं। हम तो सुबह जाने वाले थे यार घर की ओर, अगर घर की ओर जाते ना और यहाँ नहीं आते तो बहुत दिक्कत होता हमें। अभी यहाँ पहुँच चुके हैं, और इतना सही लग रहा है यहाँ पे वाइब, मोटे से यहाँ पे हम टेंट्स लगा के रह सकते हैं, पर पता नहीं अलाउड करते हैं कि नहीं करते हैं लोग, क्योंकि लद्दाख में बहुत जगहों में टेंट लगा नहीं देते हैं, नहीं तो हम कैंपिंग कर सकते थे यहाँ पे। टेंट्स ले गए थे हम, टेंट्स वगैरह सब लेके आए हैं लकड़ी, तो हम कैंपिंग भी कर सकते थे, तो हमने सोचा आए हैं तो होटल में रुक जाते हैं। अभी थोड़ी देर यहाँ घूमते हैं, फिर सुबह निकलेंगे हम फटाफट, क्योंकि टॉप में तो बर्फ पड़ी हुई है, वो तो हमें पता है। ये देखो गाइस ब्रिज, ओए होए आगे आके कहीं हमला ना हो जाए हम पे। याक अटैक लेको तो ही लीती हो तो कितने सारे आके देखे यहाँ पे, यहाँ पे है कुछ वहाँ पे दूची बतख, चुका बतख मचते, बतख ये बतख है, बहुत सारी प्रजाति यहाँ पे देखे, यहाँ पे भी एक व्हाइट कलर का, ये देखे। और ये रहा स्तूपा, ये देखे पद्मा संभाव, क्या ये होगा। हम पहले इसको याक सोच रहे थे, पर ये उसी प्रजाति का फीमेल वर्जन है, हम चूरू बोलते हैं। ये देखिए बतख है, ये क्या कहते हैं, इधर कौन सा तू तीन अंदर, ओए
नहीं बतख है। सो गाइस मैं अभी जा रहा हूँ बतख के पास, पास से कैप्चर करता हूँ। ये तो बतख नहीं शायद, सारस टाइप का है ये, पता नहीं क्या है। ओए कितने चलिए, कितने चलिए, पर चले गया यार आगे भी दो बतख। ये तो बतख है शायद, इनको तो कैप्चर करूंगा आगे से। ओए उड़ गए अभी। ओए नीचे देखिए गाइस, स्कूल है शायद मुझे लगता है, वहाँ पे प्ले ग्राउंड बना हुआ है बच्चों के लिए। यहाँ पे शीशे वगैरह हैं, झूला है, स्केटर है। हाय चलते हैं अभी। आने वाले कुछ सालों में ना यहाँ पे बहुत टूरिज्म होगा। यहाँ पे जब से हाईवे बना है तब से टूरिज्म तो बढ़ ही चुका है, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इतना चला है ना, हर जगह होटल्स बन रहे हैं, मतलब बहुत कुछ बन रहे हैं, कैफेज बन रहे हैं, तो यहाँ पे टूरिज्म आ सकता है बहुत ज़्यादा। कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है टूरिज्म यहाँ पे। और इस जगह को देख के तो कैसे नहीं आ सकते यार, यहाँ पे देखिए वाइब अलग है यहाँ पे। बस पहुँचना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे, और यहाँ के वो थे यार। तो गाइस अभी पहुँच के हम पदम पेट्रोल पंप, हमने केलो में फुल किया था, देखते हैं यहाँ पे कितने का तेल जाता है। यहाँ पे है पेट्रोल 101 रुपये, हमारे वहाँ पे है गवर्नमेंट शायद 98, पता नहीं कितना ही है यहाँ पे। ये देखो गाइस 1400 रुपये का तेल जा चुका है, 1435, 14 लीटर। तो जिमनी का माइलेज बहुत अच्छा है इस टाइप को, क्योंकि केलंग में हमने फुल किया था और अभी यहाँ पे फुल ही हो गया है तो इस हिसाब से अच्छा इसका। ये देखो गाइस बर्दन गुम्पा, पिछली कल रात को हमने देखा नहीं था चीज़, क्योंकि अंधेरा था यार। अभी देखिए पूरा दिख रहा है, पहाड़ ऊपर है, देखिए रात को हमने सामने से देखा था, लाइटें जली हुई थी, पर ये नहीं दिख पाए थे कि ऐसे पहाड़ के ऊपर है, ऐसा लग रहा था कि सिंपल उसमें। तो अभी देखिए कैसा लग रहा है। अभी हम आए हैं बर्दन गुम्पा विजिट करने, यहाँ पे मैं पहले जो गुम्पा होता पहले पहले तो यहाँ के लामा रहते थे वहाँ पे, तो अभी भी यहाँ पे शायद हम गुम्पा बना सकते हैं। बात तो चलिए यहाँ के लामा आएंगे फिर वहाँ पे फिर से। ये देखिए ये लोग गाइस अंदर से बर्दन गुम्पा, ये देखो गाइस इसका घर, और ये देखिए इसके खाने का बर्तन, देखिए यहाँ पे, और अभी चिड़िया खा रही यहाँ से। वो देखो गाइस वहाँ पे कितने सारे आइबेक्स हैं, वो देखिए वहाँ पे है, यहाँ नीचे है, इस साइड भी है, देखिए पत्थर गिरा रहे हैं ऊपर से। छोटे छोटे साइज वाले यहाँ तो, बीस बाय लग तो क्या। ये देखो गाइस पुणे, यहाँ पे देखो डोलमा आंटी के कैंप्स लगे हुए हैं ऊपर, ये हट्स भी शायद उन्हीं के हैं जो ये बने हुए हैं, और वो देखिए वहाँ पे, वो तो फिर बहुत ही खतरनाक है ना, वहाँ पे एक दिन का स्टे का शायद 50,000 तक चलता है सीजन टाइम तो। और यहाँ पे देखिए दो नदियों का मिलन, एक पूरा क्लियर एक पूरा मिट्टी, और यहाँ पे देखिए कलर चेंज होता हुआ। वो बस पिछले कल हम यहाँ से आए गए थे सुक्तल मोनेस्ट्री, तो वहाँ से हम यहाँ से जा सकते थे पदुम की ओर, तो यहाँ पे रास्ता ब्लास्ट नहीं करते थे तो रास्ता बंद था पिछले कल, तो हम यहाँ से फिर से 15 किलोमीटर पीछे गए, तो इस साइड वाले रास्ते से हम, नहीं तो हम यहीं से सीधे जाते। तो पिछले कल हमें शॉर्टकट पड़ता, आज हमें ये वाला शॉर्टकट है, पर